पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाए अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। कौन है, कौन है तू? जहां पहुंच गया वहीं रह, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। किसने दिया है होने लगा सॉन्ग? क्यों दिखाया सब्जी मंडी में आयुष और महिमा को? गाने को क्यों मिला कॉमेडी टच? सलमान खान और आयुष शर्मा की अंतिम द फाइनल ट्रुथ का नया सॉन्ग होने लगा लॉन्च कर दिया गया है। इस गाने को जुबिन नौटियाल ने गाया है और जुबिन का नाम आते ही आप समझ ही गए होंगे कि इस गाने के पारा कितना हाई होगा। अब जुबिन रोमांटिक गानों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही शबीर दिल को छू जाने वाले ऐसे लिरिक्स देते हैं जो लोगों के दिल चीर जाते हैं। ऐसे ही आया है उनका ये नया गाना होने लगा, जिसे प्यार नहीं भी होगा तो भी इस गाने को सुनकर होने लगेगा। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि गाने का नाम ही है होने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान और आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। आयुष शर्मा और महिमा अखबारा पर फिल्माया गया ये गाना बेहद रोमांटिक है। इसमें आयुष और महिमा रोमांस करते हुए नजर आ रहे थे, दोनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री को देखने मिल रही है। गाने में महिमा अपनी बोल्ड और दिलकश अदाएं दिखा रही है, जो मैरून साड़ी और मल्टी कलर बैकलेस ब्लाउज में नजर आ रही है। महिमा वैसे तो पहले से ही काफी फिट रही है, लेकिन उनके इस गाने में फिगर को देखकर न जाने कितनों का दिल धड़का होगा। जिस फिगर को बनाने के लिए महिमा ने शूटिंग से 1 साल पहले से हेल्दी डाइट शुरू कर दी थी, ये पहली बार ऐसा है जब महिमा बड़ी स्क्रीन पर सलमान के बहनोई के साथ रोमांस कर रही है, और सलमान की बेबसी देखिए वो कुछ कह भी नहीं सकते। साथ ही आयुष भी गाने के आखिर में शर्टलेस नजर आए, और उनके सिक्स पैक्स एब्स का तो क्या ही कहना। इसके लिए आयुष ने क्या कुछ नहीं सहा, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। इसका खुलासा तो खुद महेश मांजरेकर ने किया था कि चाहे आयुष को चोट आ जाए या फ्रैक्चर हो जाए, वो शूटिंग के दौरान भी जिम करते रहे ताकि उनके डोले जरा भी ढीले ना डोले। बता दे आयुष शर्मा फिल्म में राहुल नाम के गुंडे का किरदार निभा रहे हैं, जिसे लोग प्यार से राहुलिया कहते हैं, जबकि महिमा मंदा नाम की लड़की का किरदार निभा रही है। और गाने में भी जब राहुल मंदा को सरप्राइज देते हैं तो एक नेम प्लेट और कुछ सब्जियों की बोरी पर राहुल लव मंदा लिखा होता है। ये पहली बार ऐसा है जब फिल्म से किसी साइड एक्ट्रेस का किरदार का नाम ऐसे अनोखे अंदाज में रिवील किया गया है, और जगह इन दोनों का नाम लिखा होगा मतलब इनके प्यार में पागलपन की हद को दिखाता है। इस गाने में कॉमेडी टच देने के लिए राहुल मंदा को गोभी का फूल देता है ताकि ऑडियंस में से खुद को रिलेट कर सके। हालांकि आजकल गुलाब का फूल गोभी के फूल से ज्यादा सस्ते दाम पर मिल जाता है, लेकिन आयुष की चॉइस की दाद देनी होगी कि उन्होंने प्रपोजल के लिए सीजनल सब्जी का इस्तेमाल किया। अगर कोई इस गाने पर रील बनाता है तो उसे गोभी का फूल थोड़े ही मोल भाव के बाद मिल जाएगा। गाने में सिर्फ एक बार इमोशनल सीन दिखाया, जब राहुल मंदा को अंगूठी पहनाता है तब मंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो मंदा के प्यार की इंतजार की गवाही दे रही है। आयुष शर्मा ने गाने को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, राहुलिया प्यार में मंदा का होने लगा, ये सीजन इस रोमांटिक गाने के साथ लव एंथम का गवाह बनेगा। गाने का पिक्चराइजेशन कमाल का है। आयुष और महिमा के रोमांस में उनके बैकग्राउंड की सजावट काफी बेहतरीन तरीके से की गई है, जिसमें सब्जियां ही सब्जियां हैं। लग रहा है दोनों शादी के बाद एक फार्म हाउस खोलेंगे और यहाँ से इन्हें बेचेंगे। वैसे यहाँ पर सब्जियां इसलिए दिखाई गई है क्योंकि राहुल के पिता किसान है। इस गाने को शूट करने के लिए सब्जी भंडार जैसी लोकेशन चूज की गई है, और लाइटिंग को डिम रेड रखकर मंदा और राहुल के लिए एक डेट नाइट प्लान की गई है। वैसे रेड प्यार का भी सिंबल है, इसी को ध्यान में रखते हुए रेड थीम दी गई है। होने लगा सॉन्ग का म्यूजिक काफी प्यारा और शांत है। गाने को जुबिन नौटियाल ने बेहद खूबसूरती के साथ गाया है। गाने के बोल शबीर अहमद ने लिखे हैं, इसका म्यूजिक रवि वसरूर ने दिया है। इस रोमांटिक गाने की कोरियोग्राफी शबीना खान और उमेश जाधव ने की है। ये फिल्म का तीसरा गाना है, इससे पहले फिल्म के 2 गाने लॉन्च हो चुके हैं। फिल्म का पहला गाना विघ्नहर्ता गणपति उत्सव के दौरान आया था, जबकि दूसरा गाना भाई का बर्थडे पिछले हफ्ते ही आया है। दोनों ही गानों को खूब पसंद किया गया है। अंतिम द फाइनल ट्रुथ का ट्रेलर भी पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद फैंस बेसब्री से फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 26 नवंबर को देश के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया है, और इसकी प्रोड्यूसर सलमा खान और सलमान खान फिल्म है। आपको ये गाना होने लगा कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।